लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। एसडीएम सदर ने कल बीती देर रात्रि किया रैन बसेरों का निरीक्षण। जी हाँ, बता दें, पहुंचे बस स्टैंड और वहां सोने वाले लोगों से की बातचीत और सभी ने बताया सही है व्यवस्थाएं। बता दें, बीती देर रात्रि एसडीएम सदर कुमार चंद्र जुआलिया ने नगर निगम के रैन बसेरों का निरीक्षण किया और इसी क्रम में बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को लेकर वहां सोने वाले लोगों से बात की कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अलावा सब कुछ उन्होंने संतोषजनक पाया। साथ ही मीडिया को बताया कि उन्होंने कुछ लोग फुटपाथ पर सोते उन्हें नजर आए तो उन्हें रैन बसेरे में पहुंचाया गया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किस तरीके का निरीक्षण है सर? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे इस फिरोजाबाद में जहाँ रैन बसेरा बने हुए हैं या कहीं खुली जगह है, अगर हम वहाँ पे कोई लोग अगर मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कोई भी लोग खुले में न सोए, अगर कोई ऐसा मिलता है तो उनको हम कम्बल भी दे रहे हैं। दूसरा, रैन बसेरा में देख रहे हैं कि सभी लोगों को रैन बसेरा भिजवा दें। तो हमने अभी कई जगह चेक किया, सभी जगह रैन बसेरा लोग अब हैं। एक में अभी 14 लोग हैं, एक में 10 लोग हैं। वहाँ भी रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद वाले रैन बसेरा में भी गए थे, वहाँ पे भी जो है 10 लोग थे और सबको रजाई गद्दा सब मिला हुआ है, गैस का हीटर भी है। और हम ये शासन की योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है इस फंड से जो है किसी कोई तकलीफ न हो।